भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी किससे जुड़ी भाई, हमारे पास कुछ संख्या है, कक्ष संख्या 1 में वृत्त चित्रिका है, यानी कि पिक्चर गैलरी हुआ करता था। तो शास्त्री जी के पुराने जितने उन्होंने कार्यक्रम किया, जितने संघर्ष किया उन्होंने, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उन्होंने संबोधन किया, उस सब की चित्रों का वो है, ताशकंती मशीन है, ये सभी सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। दूसरे कमरे में मीटिंग रूम हुआ करता था, शास्त्री जी वहाँ मीटिंग करते थे, यानी कि उसमें बैठक किया करते थे। तीसरा कमरा होता था, लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद ललिता शास्त्री जी यहीं पे आकर रुकी थी काफ़ी दिनों तक। उन्होंने अपना कमरा बनवाया था, उसमें शास्त्री जी का ललिता शास्त्री जी का रूम कहा जाता है। ललिता शास्त्री जी की धर्म पत्नी हुआ करती थी। पर्यटकों का आना जाना लगा था, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा पर्यटक कम हो गए हमारे यहाँ आने के लिए, लेकिन काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास ऐसा बताया जाता है कि 2 धोती और 2 कुर्ता हुआ करता था, और वो अभी तीसरे कमरे में एक अटैची रखी हुई है, उसी में जैसे बताया जाता है कि शास्त्री जी उसमें रखते थे। तो उनकी 2 कुर्ते लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार ऑफिस से अपने घर आए तो उसमें देखते हैं कि 1 कुर्ता नहीं मिला। तो उन्होंने अपने पुत्र मानी लाल सुनील शास्त्री जी को बुलाया, उन्होंने बोला कि बेटा मेरा 1 कुर्ता कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि बाबू जी 1 कुर्ता फटा था तो मैं माता जी को दे दिया सिलने के लिए, कि जाकर तुम ले आओ, माता जी की मांग के ले आओ। तो माननीय सुनील शास्त्री जी चले गए ललिता शास्त्री जी के पास, माता जी के पास अपने। उन्होंने माता जी से कहा, माता जी वो कुर्ते बाबूजी का मुझे दे दीजिए। तो माता जी ने कहा, बेटा पिता बाबूजी के कुर्ते इतने फट गए थे कि जो मुझे मजबूरन उसको काट काट करके उसको पोछा बनाना पड़ा, मैं उसका पोछा बना दिया। तो सुनील शास्त्री जी आए बाबूजी, तब शास्त्री से कहा कि बाबूजी, उनकी हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी लेकिन डरते डरते कहा, बाबूजी माताजी ने बहुत ज़्यादा कपड़ा कुर्ता फट गया था और उस कुर्ते को उन्होंने पोछा बना दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बाबूजी ने सुनील शास्त्री जी को बहुत डांटा, अरे मूर्ख अभी 2 महीने की जाड़ा होता आ जाएगा, 2 महीने में जाड़ा आ जाएगा, उस कुर्ते को मैं कोट के नीचे पहन लेता, क्या वो देखता मुझे। उन्होंने ये बातें कही। इनकी सादगी देख के तो बहुत बड़ा ये उदाहरण है जो कि आपने सुना। दूसरी कहानी बता रहा हूँ आपको, आपको ध्यान से सुने कि लाल बहादुर शास्त्री एक बार रेल मिनिस्टर हुआ करते थे 1952 में, और 1952 में एक बार की बात है वो सफ़र किया करते थे और जनरल टिकट में जनरल बोगी में सफ़र करते थे। ये सादगी के बहुत बड़ा मिसाल है। और उस समय गर्मी का माहौल था, उस समय टीटी नहीं मत कहिए, वो स्टेशन मास्टर ने उनके यहाँ उस उनके बोगी में उन्होंने कूलर लगा दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोला कि ये क्या चीज़ है, जानते तो सब थे लेकिन उन्होंने पूछा ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, सर मास्टर ने बोला, सर ये कूलर है, ये इतनी गर्मी पड़ रही है आपको ये ठंडी हवा देगी। तो उन्होंने कहा, पीछे मुड़ के देख, बोगी में जितने लोग बैठे हैं क्या उनको गर्मी नहीं लगती है। सर ज़रूर लगती है, क्या अगर ठीक है इसी समय सब बोगी में कूलर लगवा दो। तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि सर मैं लगवा दूंगा लेकिन इस समय मुमकिन नहीं है, मैं कल लगवा दूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुरंत इसी समय इस कूलर को हटा दो, और स्टेशन मास्टर को मजबूरन उसको कूलर को हटाना पड़ा। ये लाल बहादुर शास्त्री जी करते थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर वाराणसी से 15 किलोमीटर दूर रामनगर क्षेत्र में स्थित उनके पैतृक आवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट, और आप लोगों के साथ हम लेप। इस वक्त हम वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में, आपको बता दें कि यहाँ जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं, लाल बहादुर शास्त्री का ये पैतृक निवास है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ये पैतृक आवास आज भी दूर दूर से लोग देखने आते हैं, क्योंकि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना जिंदगी, पूरी अपनी जिंदगी देश के लिए निछावर कर दी। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री का ये फ़ोटो गैलरी है, और आप देखिए इस फोटो गैलरी में ये फ़ोटो क्या बयां करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री का ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि तमाम राजनेताओं के साथ और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ये हल चला रहे हैं। आज के समय के जो प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरीके का कारनामा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि ये तस्वीर खुले मंच से लाल बहादुर शास्त्री अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके की आम लोग और इस समय के प्रधानमंत्री में काफ़ी डिफरेंट हुआ है। और आप मेरे सामने ये जो चित्र देख रहे हैं कि लाल किले से देश को संबोधित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, और उसके बगल में आप देखिए तो गंगा पुल का शिलान्यास लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 18 अप्रैल 1965 को किया था। तो इस फोटो में आप देखिए कि शास्त्री जी मेहमानों के साथ अपने आवास पे चाय पीते हुए, और यहाँ पे आप देखिए कि शास्त्री जी इंदिरा गांधी के साथ जनसभा करते हुए इस फोटो में बिल्कुल साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए, ये जो कमरा है लाल बहादुर शास्त्री का मीटिंग रूम है, यानी बैठक कक्ष है। आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपने राजनेताओं के साथ बैठक में भाग लिया करते थे, ये कुर्सी है, उस पर एक पंखा लगा हुआ है जो बांस का बना हुआ होता है था। उस समय पंखे का कम हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में कोई पंखा चलाना नहीं चाहता है। इस तरीके से ये छोटे छोटे टेबल, इस पर उनके जो सहयोगी हुआ करते थे, यहाँ पे बैठकर, नीचे बैठकर लाल बहादुर शास्त्री जी को सुना करते थे। आपको बता दें कि यह कमरा बहुत बड़ा कमरा नहीं है, 8x8 मतलब लगभग 6 फुट और 10 फुट में ही ये पूरा समाहित है। तो ये ललिता शास्त्री का ये जो आप देख रहे हैं कमरा है, हम इनसे बात करेंगे कि इस कमरे के बारे में थोड़ा ब्रीफ करके बताएं। जी, अपने परिचय दे। मैं महेंद्र नारायण लाल, यहाँ का केयर टेकर, और ये कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कमरा नंबर 3 है। और ये शास्त्री जी के मरने के बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद माननीय ललिता शास्त्री इनकी धर्मपत्नी यहाँ पे आई, और इनकी मौत हुई थी 13 ललिता शास्त्री जी की मौत हुई थी 13 अप्रैल 1993 को। और शास्त्री जी के मरने के बाद करीब 22 साल के बाद मरी हैं। और ये जब बाबू जी वहाँ पर मरने के बाद जब अपना बंगला छूटा, तो ये आके यहीं पर रहने लगी। तो ये अपना एक टूटा फूटा मकान था पहले, तो उन्होंने एक बच्चों के लिए अब एक कमरा पक्का बनवाया। इसमें देख रहे हैं आप, इनके भजन संग्रह की किताबें हैं, और ये बाबूजी का और माता जी का तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री हाउस का तस्वीर है, और ये बेड है, और ये मछिया वगैरह रखी हुई है। इसमें ये पूजा पाठ करती थी, और इनका कमरा होता था शास्त्री ललिता शास्त्री जी का। और ये हम एक दिखा रहे हैं फोटो आपको, ये जब लाल बहादुर शास्त्री जी नेपाल गए थे और इनकी धर्मपत्नी, तो वहाँ के राज्यपाल जी ने इनको पशुपतिनाथ जी का एक टेम्पल स्वरूप ये उपहार भेंट किया था, जो कि हम लोगों ने इसको लगा दिया है। ये बक्से वगैरह जो देख रहे हैं, ये सब बाबूजी का इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है। पलंग वगैरह देख रहे हैं, पंखे वगैरह, गिलास व्लास, सब ये उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन था, एसी में नहीं था। आप देखिए कि वहाँ पे टेबल फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे जो बक्सा हुआ करता था, ये देखिए कि जो ब्रीफकेस कहा जाता है, आज के दौर में ट्रॉली बैग लेकर लोग जाते हैं, लेकिन एकदम वैसे इसे सुरक्षित
धरोहर के रूप में देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ पे शास्त्री जी के वाइफ जो डेक्ची हुआ करती थी वो है। और भी हम आगे चलेंगे और भी आपको दिखलाएंगे कि क्या है यहाँ। इस गाड़ी के बारे में आप बताइए। ये गाड़ी DLE 6 V8 होती थी। एक समय की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इनके बच्चे माननीय सुनील शास्त्री जी वगैरह जाते थे कॉलेज से। इनके दोस्त लोग टंट कसते थे और ये साइकिल से ही जाते थे कॉलेज में अपने। तो इनके दोस्त लोग टंट कसते थे कि अरे तुम्हारे बाबूजी तो प्राइम मिनिस्टर हैं और तुम साइकिल से आते हो यार। तो उन्होंने अपने एक समय के बाद रात में डिनर पर बाबूजी से कहा, सुनील शास्त्री जी ने, कि मुझे गाड़ी चाहिए। लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। उन्होंने कहा बेटा सुबह होने के बाद दिला दूँगा। तो सुबह होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक खुद पैदल चल के लोन लिया। और लोन लेने के बाद उन्होंने एक क्रिएट लोन पर लिया, लेकिन एक ही दो किस्त जमा करने के बाद बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। तो उनके लालता शास्त्री, इनके धर्मपत्नी था शास्त्री, से बैंक के मैनेजर ने बोला कि आपके जो बाबूजी ने लोन लिया था वो लोन किस्त माफ़ हो जाएगी। और उन्होंने लालता शास्त्री ने कहा कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनका किस्त जमा करूँगी। और उन्होंने थोड़े थोड़े पारिवारिक पेंशन से थोड़े थोड़े पैसे उन्होंने जमा कर दिया और किसी बैंक के मुझे एहसान नहीं लिया। ऐसे लगता शास्त्री जी को बार बार कोटि कोटि नमन है हमारा। तो ये DL 6 की गाड़ी की कहानी है। आप देखिए कि ये अम्बेसडर के तौर पे ये बना हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए कि बच्चों के आग्रह पर प्रधानमंत्री कहते हुए लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में एक फिर इस तरीके का यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देखिए। और यहीं पर वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का यही मूल निवास है। इसी आवास में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहा करते थे। ये देखिए सामने जो है ये रसोई घर है और यहाँ पे चाकी है और सिलवट है। तो और पुरानी जितनी धरोहर आपको देखने को मिलेगी ये पूरा बिल्कुल एकदम आज भी उसी मिट्टी के उसी समय के बनाए हुए ये धरोहर आपको देखने को मिलेगा। तो ये लाल बहादुर शास्त्री का मूल निवास है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गंगा को पार करके पढ़ने जाते थे, अपने दोस्तों को अपनी पुस्तकें उनको दे देते थे। और उनके पास पैसा न होने की वजह से वह नाव नहीं मिलती थी, इसके वजह से गंगा पार होकर जाते थे, तैर कर जाते थे। आपको बता दें कि इस तरह के लोग आज के दौर में बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आपको बता दें कि किसानों को एकत्रित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने तमाम योजनाएं चलाई। आपको बता दें कि हरित क्रांति, तमाम तरह की इस तरह की योजना चलाई। हम यहाँ से के जो केयर टेकर हैं उनसे बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी किसानों के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और वो नारा इसलिए उस समय दिया था जब हमारे यहाँ 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। उस समय बहुत हम लोग टूट गए थे, खाने के लिए ही मोहताज हो गए थे। तो उस समय अमेरिका से हमारे यहाँ गेहूँ सप्लाई होती थी और PL 84 गेहूँ का नाम होता था, जो कि उनके यहाँ उनके जानवर दिखाते थे तो वो गेहूँ हम लोगों को सप्लाई होती थी और हम लोग उस गेहूँ को मजबूरी में खाना पड़ता था। और उसी उस समय की बात बता देता हूँ कि उस समय अमेरिका होता था पाकिस्तान के साथ में और रशिया रूस होते था हमारे इंडिया के साथ में। तो अमेरिका से जब हमारी पाकिस्तान से हमारी युद्ध छिड़ी थी 1965 में, इसी का फायदा कमज़ोर होने को इंडिया को कमज़ोर हो जाने की वजह से पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 में पाकिस्तान हमारे इंडिया पर अटैक कर दिया था। और उस अटैक करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को वो कमज़ोर साबित करने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। 5 फुट 2 इंच का लाल बहादुर शास्त्री जी, वो उस समय हमारे यहाँ जब उन्होंने अमेरिका ने बोला कि शास्त्री जी लड़ाई बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गेहूँ बंद कर दूंगा, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आप गेहूँ बंद कर दो, मुझे धमकी न दो और मेरा देश भूखा मर जाएगा, लेकिन आपका गेहूँ स्वीकार नहीं करेगा। उसी समय सोमवार को दिन होता था उस समय, तो उन्होंने अपने देशवासियों से बोला कि अपने गली में, चौबारे में, छत के ऊपर, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ गेहूँ अन्न उपजाओ, गेहूँ उगाओ। तो बताया जाता है कि सोमवार को दिन फिर उन्होंने अपने देशवासियों से बोला कि आप लोग सोमवार को एक दिन का भोजन छोड़ दीजिए और 6 महीने तक छोड़ दीजिए,
और हम सब लोग मिल के बांट के खा लेंगे और 6 महीना धीरे धीरे गुजर जाएगा, उसके बाद गेहूँ हो जाएगी। और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपको बता दें कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में पाकिस्तान को धूल चटाने में बहुत कारगर साबित हुए थे। आपको बता दें कि यह पैतृक निवास से हम सीधे रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।